हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम सेंटेंस पैटर्न इट इज पार्ट फाइव बिफोर वी हैव रैड एंड अंडरस्टैंड फोर काइंड ऑफ सेंटेंस पैटर्न इट इज पार्ट नंबर फाइव सो लेट्स स्टार्ट आज के इस वीडियो में हम उस तरीके के सेंटेंस पैटर्न को सीखेंगे जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में हिंदी में कुछ इस तरीके से बोलते हैं जैसे वह आ रहा होगा मैं टीवी देख रहा होगा राम रतलाम जा रहा होगा रोहन ब्रेकफास्ट कर रहा होगा इट मीन्स कभी हम अपने आने वाले मोमेंट के बारे में सोच कर कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे फ्रेम किया जाता है वो आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं मैं फिर एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि डे टू डे लाइफ के कौन से सेंटेंस इस पैटर्न से बन जाएंगे वो नोटिस करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेंटेंस का एंडिंग पे फोकस करना है अगर एंडिंग में रहा होगा रही होंगी रहे होंगे इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं तो आज का ये सेंटेंस पैटर्न पार्ट फाइव आपके लिए यूजफुल रहेगा ओके सो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी आर हैविंग सम वर्ड्स दैट आर

वह आ रहा होगा तो इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है अगर आपका सेंटेंस इस टाइप से है टीचर क्लास में पढ़ा रहे होंगे देन यहाँ पे टीचर आपका सब्जेक्ट है इफ़ योर सेंटेंस इज वे कार्ड्स खेल रहे होंगे तो यहाँ पर वे जो वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट है मीन्स डूअर जो है जो वर्क को कर रहा है वो पर्सन सब्जेक्ट कहलाता है आई थिंक इस डिस्क्रिप्शन से आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आ गया नाउ और नेक्स्ट वर्ड इज़ विल बी अब आज का जो पैटर्न है वो रहा होगा रही होगी रहे होंगे मीन्स वर्क चल रहा होगा ये चीज़ शो करना है हमें सो फॉर दैट वी विल यूज़ विल बी जैसे ही आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया उसके जस्ट बाद आपको विल बी ऐड करना होगा उसके बाद हम ऐड करेंगे एक्शन अब एक्शन क्या होता है कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख रखे हैं लाइक गो कम राइट रीड स्पीक एट्सट्रा बहुत सारी एक्शंस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आना जाना खेलना कूदना हंसना रोना बैठना उठना बातें करना सीखना बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं सो दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड एक्शन सो ये थ्री वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो अब सेंटेंस फ्रेम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सो Let's start sentence स्टार्ट सेंटेंस first सेंटेंस इज वह स्कूल जा रहा होगा अब यहाँ पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे फर्स्ट हमें सब्जेक्ट लिखना था या सब्जेक्ट बोलना था देन वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे डूअर है वह मींस ही उसके बाद हमने सीखा हमें जैसे ही सब्जेक्ट यूज किया देन हम विल बी एड करेंगे सो ही विल बी अब यहाँ पर एक्शन क्या दिख रहा है हमें गो तो गो में एड कर देंगे हम आई एन जी और अदर वर्ड्स एंडिंग में यूज़ करेंगे सो आर सेंटेंस इज ही विल बी गोइंग टू स्कूल राम होमवर्क कर रहा होगा यहाँ पर डूअर है राम और राम के बाद हमें ऐड करना होगा विल बी एक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर डू और उसमें हमने ऐड किया आई एन जी और अदर वर्ड एंडिंग में यूज़ करें सो आर सेंटेंस इज़ राम विल बी डूइंग होमवर्क नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वे रामायण देख रहे होंगे यहाँ पे डूअर है दे और दे के बाद हम ऐड करेंगे विल बी देखना मीन्स वॉच और इसमें हमने ऐड किया आई एन जी और अदर वर्ड एंडिंग में यूज़ किए सो आर सेंटेंसेस दे विल बी वॉचिंग रामायण हम कंप्यूटर चला रहे होंगे डूअर यहाँ पे है वी वी के बाद हमने ऐड किया विल बी यहाँ पर अभी सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ डे टू डे लाइफ में बोलना हम सीख रहे हैं तो डीप ग्रामेटिकल वे में हम नहीं जा रहे हैं दैट इज वाई वी आर यूजिंग ओनली विल बी वी विल बी आफ्टर दैट यहाँ पे uh, जो एक्शन हमें दिख रहा है वो है चलाना मीन्स ऑपरेट ऑपरेट में हमने ऐड किया आई एन जी ऑपरेटिंग और अदर वर्ड जो है वो लास्ट में ऐड किया मीन्स कंप्यूटर आर फुल सेंटेंसेस वी विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर नेक्स्ट

as you can see on the top of the screen that there is action read so today we learn that uh, how to frame part 5 sentence pattern first of all we will use subject then will be then action with ing so our action is read first sentence in hindi मैं पढ़ रहा होऊंगा अगर इस टाइप का सेंटेंस आपको बोलना है दन आई विल बी रीडिंग तुम पढ़ रहे होंगे यू विल बी रीडिंग हम पढ़ रहे होंगे वी विल बी रीडिंग वे पढ़ रहे होंगे दे विल बी रीडिंग राम पढ़ रहा होगा राम विल बी रीडिंग राम और श्याम पढ़ रहे होंगे राम एंड श्याम विल बी रीडिंग वह पढ़ रहा होगा अब अगर हमें बहुत सारी बार ऐसा होता है कि किसी बॉय का नेम नहीं पता तो हम वह इस टाइप का प्रोनाउन यूज करते हैं राइट अगर हमें किसी का नाम नहीं पता तो हम ही, आ, ही वर्ड को लेकर सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ही विल बी रीडिंग वह पढ़ रही होगी शी विल बी रीडिंग अभी सिर्फ और सिर्फ हमने रीड एक्शन को लेकर बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एट काइंड के सेंटेंस हमने फ्रेम किए इसी तरीके से आप अनादर एक्शंस लेकर आज के इस सेंटेंस पैटर्न का प्रैक्टिस कर सकते हैं आई होप आप और आपकी फैमिली अपने घरों पर सेफ होंगी आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो And uh, if you like it, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.